हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल ग्रो योर स्किल चैनल पे। आज हम PHP लैंग्वेज की थर्ड वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि XAMPP और विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड होता है, तो होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो आज हम इसका ओवरव्यू करेंगे कि XAMPP को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक अपाची का, एक MySQL का। अपाची तो बेसिकली एक सर्वर है और MySQL एक डेटाबेस है। तो अपाची को पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम कोई भी पहले लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जैसे HTML पढ़ते थे, तो उसमें हमें कोई सर्वर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती थी। पर PHP में हमें सर्वर की ज़रूरत होती है, तो उसको हमें स्टार्ट भी करना पड़ेगा। हमने डाउनलोड किया है तो उसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा, और विदाउट स्टार्ट हम PHP को ब्राउज़र पे रन नहीं करवा सकते। तो पहले आपको स्टार्ट करवाना ज़रूरी है, तो हम इसको पहले स्टार्ट करवा देते हैं, और ये MySQL हमारे डेटाबेस को भी हम स्टार्ट करवा देते हैं। पहले मैं आपको डेटाबेस का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। तो ये एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हमारे डेटाबेस पे ले आएगा। अगर आप इसको अलग से भी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे तो ये ऐसा आपको नज़र आ जाएगा। तो इसमें आप PHP एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डेटाबेस शो हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडमिन करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो साइड में बने हुए ये डेटाबेसिस हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बनते हैं। तो उसके आगे हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस और टेबल क्रिएट होते हैं। बस हम सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये होता है हमारा डेटाबेस। इसमें हम एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, कोई भी क्यूरी वगैरह लिख सकते हैं, डेटाबेसिस बना सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी तक यहीं तक, आगे हम चलते हैं कोड की तरफ। तो अभी हम फोल्डर में चले आते हैं, और ये हमारा XAMPP का फोल्डर है। इसमें XAMPP के फोल्डर में आके htdocs में आके हम अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ बाद में क्यों ऐसा करेंगे, पर हम अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने कोर्स PHP कोर्स के नाम से फोल्डर बना दिया। हम इसको अब विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करवा देते हैं। तो ओपन विथ कोड जैसे कि हमारा ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये ओपन विथ कोड आएगा। तो होप आप लोगों ने टिक किया होगा और आपका ये ऑप्शन आ रहा होगा। तो हमने जैसे कि फोल्डर ओपन किया तो ऐसा हमारे सामने व्यू आ गया है। तो हमारे सामने फोल्डर खुला हुआ है, और हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये विजुअल स्टूडियो कोड सोर्स कोड एडिटर है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। अब इसको हम रन करने के तरीके देख रहे हैं कि कैसे PHP का कोड लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें हम ये जो न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें न्यू फाइल को क्रिएट कर देंगे। इसमें हम लिखेंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, बट हम फिलहाल अभी index.html दे देंगे। बस उसको हम इंटर कर देंगे तो हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। हम फाइल का नाम दे देंगे index.php, आप कुछ भी दे सकते हैं, पर फिलहाल हम index.php बनाएंगे। ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई। हम देखते हैं कि अब PHP, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने XAMPP सर्वर के XAMPP के फोल्डर के अंदर और htdocs के अंदर क्यों किया अपना फोल्डर क्रिएट। आज से पहले हमने जो भी लैंग्वेजेस पढ़ी थी, हमारा जहाँ चाहे मन क्या, हमने अपना फोल्डर और फाइल को सेव करवा दिया था। पर PHP हमें ये बॉन्ड कर देती है कि हम अगर आपको PHP में काम करना है तो आपको XAMPP के फोल्डर के अंदर आके htdocs के फोल्डर के अंदर आके आपको अपना फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी फ़ाइल और आपका कोड रन नहीं होगा और एरर आ जाएगा। तो आप एरर से बचने के लिए आप ये कोशिश करिएगा कि आप स्टेप्स याद करें। फर्स्ट स्टेप ये है कि XAMPP के फोल्डर में आके htdocs के फोल्डर में आके अपना फोल्डर क्रिएट करें। अब हम PHP का कोड स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम PHP का कोड लिखने से पहले हमें ये कुछ स्टार्टिंग में ये लिखना पड़ेगा, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। अब इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे
पहले हम लिख लेते हैं ईको, पहले हम लिख लेते हैं ईको। ईको बेसिकली मतलब सिर्फ पीएचपी में होता है प्रिंट करवाना। हमें कोई भी अगर चीज़ प्रिंट करवानी है तो हम उसके लिए पहले ईको लिखेंगे, फिर इसके अंदर देन इसके अंदर डबल कोटेशन में हम जो भी वर्ड लिखेंगे वो हमारे ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। तो इसमें हम ले लेते हैं वेलकम, वेलकम टू ग्रो योर स्किल्स चैनल। और एंड में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। अब इसको हमें रन करना है तो हम इसको डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़िला वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आके आप बस सिंपल सी लोकल होस्ट लिखेंगे और जो फोल्डर का नाम है आप स्लैश में डाल के वो लिखेंगे, अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे। तो मैं PHP कोर्स लिख देता हूँ मेरे फोल्डर का नाम, फिर इसके बाद हम लिखेंगे अपनी फाइल का नाम जो हमने अपने फोल्डर के अंदर बनाई है, तो हम वो लिख देते हैं। ये देखिए मेरा लिखा हुआ आ गया वेलकम टू ग्रो योर स्किल्स। तो बेसिकली ये सर ये हमें ब्राउज़र पे सिर्फ कोई चीज़ प्रोवाइड करेगी जो हम डबल कोटेशन में लिखेंगे, जो भी हम वहाँ लिखेंगे वही हमें प्रोवाइड करेगी। अगर आप देख लें, अगर आप इसमें कोई कैलकुलेशन करना चाहें तो ये वो भी प्राइवेट प्रोवाइड कर देगी। ये देखिए मेरे पास 26 लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल हमारी स्टार्टिंग है तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अभी हमने देखा है कि हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं और अपना डेटाबेस वगैरह कैसे देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें कोड लिखने से पहले स्टार्ट वगैरह करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमने सिर्फ इस फर्स्ट वीडियो में हमने यही देखा है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम दूसरी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।